गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत अपने वर्कर्स से ही हो रही है, राइट। सो यहाँ पर चाय रेडी है और ब्रेकफास्ट की तैयारी है। आज फिर लेट हो गए, आज फिर वॉक नहीं है, थोड़ा लेथार्जिक है और जो पैर में जो थोड़ी पेन थी लेग में, उसकी वजह से रेस्ट दिया था और रेस्ट का मतलब ये हो गया कि सोते ही रह गए। सो अभी फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और तैयार होकर फिर आपको मिलते हैं। हो गए हैं जी तैयार, आज थोड़ा जल्दी एज यूजुअल, मतलब उससे थोड़ा जल्दी, पर अभी तो फिलहाल टाइम हो गया 10:37 और मैंने जो वहाँ टाइम दे रखा था 11:15 का, फटाफट निकलते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और मोटो व्लॉगिंग सेटअप नहीं लेके जा रहा यार, बाहर बारिश का मौसम है, कहाँ संभालता फिरूंगा। ये तो बस मोबाइल तो जेब में डाला और कहीं पे भी साइड पे शेल्टर ले लिया, बच जाएंगे, पर मोटो व्लॉगिंग सेटअप लगा हुआ और बारिश आ गई ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। एनीवेज कोई सफाई नहीं दे रहा, बट फटाफट निकलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं और मैं किंग्सवे कैंप उसी स्कूल में, न्यू पुलिस लाइंस वाले में, वहीं जा रहे हैं और वहां जाकर मिलते हैं आपको। हम तो पहुंच गए थे समय से पहले और ये रही अपनी थंडरबर्ड, इसी पे आए हैं। पर अभी सुखविंदर जी को और कैप्टन साहब को टाइम लगने वाला, शायद कहीं गए थे किसी मीटिंग में, तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैं तो खैर टाइम से पहले ही आ गया था, बट हालांकि वो 10-15 और लेट होने वाले हैं, तो वहीं आ गए थे चाय पीने के लिए जहाँ पिछली बार आए थे। आपको बताया था कि ये भाई साहब बहुत अकड़ में और गाली में चाय बेचते हैं, पर आज वो नहीं है, आज ये कोई दूसरे, शायद उनके बड़े भाई होंगे या पिताजी होंगे वो। ये देखो, ये अंकल जी बैठे हैं आज चाय के लिए। सुनिए आपने वो प्रैक्टिस, और एक बात ध्यान देने लायक है कि ये कोई दिल्ली का 5-स्टार स्कूल नहीं है जहाँ पे ये तैयारी चल रही है, यहाँ पे ये है सर्वोदय विद्यालय, न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप का, जहाँ ये तैयारी चल रही है कल के प्रोग्राम की। यहाँ तो जबरदस्त वाली ना झड़ी लग गई है बारिश की, देखनी है, एक मिनट। हालांकि गाड़ी में बैठा हूँ इसलिए इस झड़ी को भी बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर निकल चुका होता बाइक के ऊपर तो पूरा अब तक भीग चुका होता। तो कैप्टन एमपी सिंह सर हैं और सुखविंदर पाजी हैं बड़े, वो इस स्कूल के अंदर, ये पीछे मेरे आप स्कूल देख रहे हो ना, यहाँ ये वाले स्कूल के अंदर, ये इसमें कल का भी फंक्शन है। आ गए सुखविंदर वीर जी, आज इन्होंने ना ये देखो स्टेयरिंग पकड़ा दिया मेरे हाथ में, कहते हैं चल भाई गाड़ी चला, पाजी का ऑर्डर जो मर्जी करवा लें। क्यों पाजी? अभी ना पाजी बड़े अच्छे हैं, इन्होंने ना जब लास्ट टाइम इनके साथ वो बॉक्सिंग कैंप की वीडियो बना रहे थे ना, तो इन्होंने एक बात बोली थी कि डिनर पे इनवाइट किया, तो आज ना लंच पे इनवाइट किया हुआ है, अभी ये खाना खिलाएंगे बड़ा मस्त वाला। आप दो दिन यही हो, ये देख लो डिनर भी है, सब कुछ, इन्होंने किडनैप कर लिया, कह रहे 2 दिन यही। चलो जो काम निपटा के आते हैं फिर बताते हैं। सबके साथ कैप्टन एमपी सिंह साहब के साथ और सुखविंदर पाजी के साथ और प्रिंसिपल जो हैं सर्वोदय विद्यालय न्यू पुलिस लाइन, उनके साथ यहां आए थे DDE नॉर्थ वेस्ट के ऑफिस में, और यहां जबरदस्त बारिश की झड़ी, एकदम जबरदस्त, आवाज़ सुन रहे हो, ये लग गई है। सुखविंदर जी और भाई साहब भी साथ में हैं और पीछे बारिश की बहुत झड़ी। काम करते करते ना भूख भी लगती है इंसान को, और टाइम चल जा भाई 3:45, 2:30 लंच करने वाला बंदा, भाई साहब ने ना घेर के रख लिया, 3:45 हो गए और अब लेके आ गए हैं यहाँ पे कैंटीन में, और यहाँ पे खिलाने वाले हैं हमें थाली, और कैप्टन साहब भी साथ में हैं और ये दोनों बड़ा ध्यान रखते हैं अपना, आज थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलो खाना खा लिया था, अब भाई साहब को बाय बाय कहने की हो गई है बारी, और कल सुबह इनके पास हाजिरी हो जाएगी मेरी 9:00। पाजी 9:00 तो पहले नहीं आवाँगा, कोशिश करूँगा बारिश नहीं आई तो। और वो देखो वो कैप्टन साहब भी अब वो पायलट बन गए हैं कैप्टन से, ये गाड़ी की चाबी ले ली है इन्होंने, और पाजी बेस्ट विशेज, आप कल सवेरे मिलते हैं 9:00। ओके, लेट नहीं होना, मतलब ही नहीं, बारिश ने नहीं किया तो मैं नहीं आऊँगा, नहीं नहीं बारिश आवे ठीक है जी, ठीक है। ये
आज चलते चलते अचानक बारिश आ गई थी और भाई लोग यहाँ सब खड़े हुए हैं। देखो कहाँ खड़े हैं हम लोग, ये देखो ऊपर, तो इसी का सहारा है। अदरवाइज इट वॉज रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स और पूरी तरह से भीगने का आसार था। 50% तो भीगे, 50% बचा लिया इसके नीचे आके। चलो अब जब हल्का सा बारिश रुकती है, ड्रिजलिंग फॉर्म में आती है, तो फिर निकलते हैं यहाँ। कलोल समझते हो क्या होता है, हैं? किंग्सवे कैंप से निकले, रिंग रोड पे आ रहे थे, ब्रिटेनिया चौक के आसपास इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई, पूरे भीगते हुए पंजाबी बाग से पश्चिम विहार होते हुए पूरा फुल बारिश चलती आ रही थी। रेडिसन ब्लू वाला एक स्क्वायर पड़ता है भेरा इनक्लेव के पास, यही आउटर रिंग रोड पे पश्चिम विहार के पास में। उसके बाद घर तक आया हूँ, एक बूंद बारिश की नहीं है, सड़कों पे सूखा पड़ा हुआ, ऐसे के सुबह से बारिश ही नहीं हुई है। ओ भाई साहब, मैं पूरा सिर से लेके पाँव तक, मतलब पगड़ी और फिर ये शर्ट पैंट अंदर अंडरवियर्स तक, जुराबें जूते सब भीगा हुआ हूँ और इधर सब सूखा पड़ा हुआ है। कोई मुझे देख लेगा तो बोलेगा कैसा। देखो भाई, वो जो भीगने वाले सीन थे ना, वो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि किसी ने शूट नहीं किया और इन फ़ोन को मैंने पॉलिथिन में लपेट के जेब में डाल रखा था। पर भैया आज आ गया मस्त मज़ा, फुल गीला और बाइक में मध्यम मध्यम चलते हुए और मस्त बारिश का आनंद लेते हुए हूँ। आज हुई है वो इच्छा पूरी, पर बहुत सारे काम रुक जाते हैं इन चीज़ों से, राइट? सो आज का मज़ा ले लिया। हे कुदरत जी, थोड़ा सा रहम कर दो, कुछ काम धंधा कर लें। बहुत अच्छा, फटाफट से चाय बना के पीते हैं, सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि फुल ड्रेंच्ड हूँ। बाकी जो भी अपडेट होता है थोड़ी देर में। राउंड टू के लिए तैयार, दोबारा से फिर निकल रहे हैं। और जैसे पहले बताया कि वेस्ट दिल्ली में उस टाइम पे बारिश नहीं थी, अगर अभी आ गई तो दूसरा राउंड भी भीगने के लिए तैयार हैं। निकल रहे हैं बाहर, कुछ सामान लेना है, कहीं से मंगाया हुआ था तो वो आया हुआ है, वो लेना है, और उसके अलावा 2-3 लोगों को और मिलना है। जैसे अगला अपडेट आता है मैं वापस आपके पास आता हूँ, अभी फटाफट निकलते हैं, थोड़ा लेट हो गए। वही आज फिर बीच की सी सिचुएशन हो गई थी। टाइम हालांकि हो गया है 9:51 यानी कि 9:51, बट वॉकिंग पहले कर लेने का फैसला फिर ले लिया कि भाई चलो इतना भी टाइम जायज़ है। हालांकि ये टाइम होता है मेरा फाइनल वॉक का, जब मैं उसके बाद घर जाके और एडिटिंग करके फिर सोता हूँ। बट आज अभी रास्ते में से कुछ खाने को लेंगे, घर जाके खाएंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे, राइट? सो टाइम लग गया, कुछ काम ऐसे इम्पोर्टेंट में उलझ गए, सुबह निकले थे, शाम को आते आते पूरा भीग के आए, आपको पता ही लगा था। इनफैक्ट वेस्ट दिल्ली में यहाँ पे अभी तक कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, शायद सुबेरे ड्रिजलिंग हुई हो, बारिश हुई हो हल्की सी, पता नहीं मेरे को वो भी। पर जो नॉर्थ दिल्ली में जो बारिश थी जिसमें मैं पूरा भीग गया, इनफैक्ट पश्चिम विहार तक वो बारिश मिली पर उसके बाद एक बूंद भी नहीं थी, राइट? सो पहुँचते हैं घर पर, डिनर करते हैं और फिर करेंगे वीडियो को ख़त्म। आज हो गए हैं सुपर लेट क्योंकि अब टाइम हो गया है 10:33। आते आते रास्ते में 2-3 काम और पड़ गए थे, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाएंगे अपने होममेड सैंडविचेस। ये मेरी 100% होल वीट ब्रेड होती है या 100% आटा ब्रेड होती है, और स्प्रेड लगा के और अपने सैंडविच बनाएंगे और साथ में पियेंगे डाइट तो बहुत दिन से बंद कर दी है, ये है कोक ज़ीरो शुगर। तो खाना खा लेते हैं और इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है और आज सारे दिन में कोई भी एक एन्जॉयमेंट का सीन या कोई भी एक एन्जॉयमेंट का पल, जो कि मैं बारिश में भीगा और बारिश का पूरा आनंद लिया, पूरे मज़े लिए, कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिख देना। अगर कुछ ना पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स के अंदर, और हाँ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को जाते जाते। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो या किसी वजह से छूट गया, या आप इस चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके बेल आइकॉन को ठोक दो। सचमुच हाथ से, कोनी से, नाक से, मत्थे से, मतलब ये माथा, इससे जैसे मर्जी वो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।